हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे पेपर क्राउन। तो देखते हैं कैसे बनता है पेपर। इसके लिए हमने यहाँ पे दो ऑरेंज कलर की शीट्स ली है, उनको हम लोग ऐसे दोनों को साथ में चिपका देंगे। ऐसे ऐसे हम लोगों ने चिपका लिया है। ये देखिए, ग्लू डाल दिया है हमने पेपर को। अब हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे चिपका देंगे। ये देखिए ऐसे, आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक पेंसिल या कुछ भी ले लेंगे मार्क करने के लिए, जिससे हम लोग को इजीली वो पता चले कैसे कट करना है। फ्रेंड्स, तो ये देखिए, इसके लिए हमने यहाँ पे स्केच पेन ले लिया। अब हम स्केच पेन से यहाँ पे ऐसे मार्क लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे, ऐसे ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे मार्क लगा लिया है। ऐसे हम लोग ये सब कट कर लेंगे। ऐसे हम लोग ये पूरा ही जो हमने लाइन ऐसे बनाई है, ऐसे मार्क किया है, वो पूरा ऐसे ही कट करेंगे मार्किंग के साथ और मार्किंग की हेल्प से। ऐसे ऐसे बस हम लोग का पूरा कट होने ही वाला है। अब हम लोग दूसरे साइड से करेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा मार्किंग से ऊपर नीचे होगा तो आपका काम खराब नहीं होगा। फ्रेंड्स, ऐसे हम लोगों ने पूरा कट कर लिया, बस इधर थोड़ा सा। ये देखिए, अब हम लोग ये जो पेपर है उसका क्राउन बनाएंगे। ऐसे इधर हमने इसको चिपकाने से पहले यहाँ पे येलो कलर की एक शीट ले गए और यहाँ पे इसका फ्लावर बना लेंगे। ऐसे ऐसे स्क्वायर काट लेंगे। ऐसे हम लोग इसका फ्लावर बना लेंगे। ऐसे हमने इस फ्लावर को इसके सेंटर पे जहाँ हमने ऐसे इसको, अब हमने इसको चिपका सकते हैं ऐसे। ऐसे हमने इसको चिपका लेंगे। ऐसे चिपकाने के बाद अब हम लोग यहाँ पे इसका सेंटर बना लेंगे। यहाँ पे जो मेन होगा, यहाँ पे हम लोग एक फ्लावर चिपका लेंगे। और अब हम लोग यहाँ पे एक पिंक कलर की शीट लेंगे और इधर से फ्लावर्स कट कर लेंगे। मतलब फ्लावर्स, इस फ्लावर के लिए एक सर्कल कट कर लेंगे। एक नहीं करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे इन सबको, ऐसे इस शीट्स को, फिर इसको ऐसे कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे अब हम लोग एक अपने फ्लावर पे चिपकाइए एक सर्कल ऐसे ही, और एक दो सर्कल, काफी सर्कल्स यहाँ पे भी चिपका लेंगे। अभी हम लोग को और सर्कल्स कट करने पड़ेंगे। ये देखिए,
अभी हम लोग यहाँ पे थोड़े से और सर्कल कट कर लेंगे, ये देखिए ऐसे। अब हम लोग यहाँ से चिपका लेंगे, ये देखिए। ऐसे तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। बाय।